हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनमी रिबॉन एडियर फ्रेंड्स। हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं जो मैंने प्रीवियस पीडीएफ अपलोड किया था। वो आप लोग के लिए था कि एसएससी के कुछ पेपर थे, मैकेनिकल के थे, जो 100 क्वेश्चंस टोटल, तो हम स्प्लिट करके उन्हीं के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे करके, ठीक है। तो फर्स्ट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके 15 क्वेश्चन हैं, जिसकी क्वेश्चन आईडी है आपका, क्वेश्चन आईडी है 5012 लेके 515। 15 क्वेश्चंस ओवरऑल हैं इसमें, इस वीडियोज में। तो अगर पूरे वीडियोज 100 क्वेश्चंस के बनाए तो वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उससे टाइम काफ़ी बेकार होगा, देखने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम इसे स्प्लिट फॉर्म में बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ करके बनाएंगे। और साथ साथ आपके जो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसे मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर जा करके इसकी पीडीएफ, ठीक है। तो टाइम बेकार नहीं करते, आगे देखते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस। आगे हम के सॉल्यूशंस टाइप के देखेंगे, और उसमें एक क्वेश्चन मिस भी हो गया था जो आप बोल रहे थे कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था, तो वो मैंने डाल दिया है इसमें, ठीक है। आप उसे नोट कर सकते हैं यहाँ से, तो ओके ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। हम सारे क्वेश्चन करेंगे और इनके साथ जो इनके रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो इनसे लिंक क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते चलेंगे साथ साथ, ताकि आपके जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल क्लियर होते चले और डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। फटाफट दिए, टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है आप लोग के लिए भी, ठीक है। चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ लिंक एल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक काइनेमेटिक चेंज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पेयर्स। देखिए, दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि पेयर का, एक जॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। दो क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो काइनेमेटिक पेयर, देखिए मैं आप ज़्यादा लिखूंगा नहीं आपको, मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते चलिएगा अच्छे तरीके से। तो जो काइनेमेटिक चेन होता है वो होता है क्या है, वो कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके का, जो उसमें इस तरीके के जॉइंट होते हैं, ठीक है, लिंक के होते हैं, लिंक जो होते हैं आपके, लिंक के पेयर्स होते हैं जो आपके क्या बनाते हैं, एक जॉइंट तैयार करते हैं। पेयर मिल करके क्या बनाते हैं, एक जॉइंट तैयार करते हैं। ये पेयर हो गया, यहाँ पे जॉइंट हो गया, तो ऐसे करके एक ये लिंक हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक जॉइंट बन जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर जॉइंट इन सच वे दैट ईच लिंक फॉर्म अ पेयर ऑफ टू पेयर्स, फॉर्म अ पार्ट ऑफ टू पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर एज्यूम करते हैं लिंक हमारा एल है, तो वहाँ पे कितने पेयर बनाएगा वो, 2p-4। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 1। ए पार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। वो वाला कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो क्वेश्चन जस्ट यही पूछ लेता है सीधे सीधे कि सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आप बताइए नंबर ऑफ लिंक और जॉइंट में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ लिंक और जॉइंट में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ सीधे से, फॉर्मूला बेसिस ये पूछा गया, तो ऐसे सेम पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए लिंक और जॉइंट में क्या रिलेशन है। तो जॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 3/2 एल माइनस का 2, ठीक है। आप इसे भी अच्छे से लर्न करोगे, और वो तो आपको लर्न हो ही गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे आपके, 2p-4 एंड जे इक्वल, यहाँ पे एल इक्वल 2p-4, लिंक पेयर का रिलेशन है, और नेक्स्ट वाला जो मैंने बताया आपका इसमें, इसमें क्या है, ज्वाइंट और लिंक का रिलेशन है, ठीक है, 3/2 एल माइनस 2, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, अब काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं सारे जो पेपर में आए हुए हैं, हम इनका डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आईडी 502, ये देखते हैं क्या है इसमें। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक, इसमें देखिए नंबर ऑफ लिंक आपको बताने कितने हैं और ज्वाइंट के। देखिए फ्रेंड्स, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको बोलेगा कि आप बताओ उसमें लिंक कितने हैं, जॉइंट कितने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो हम आज सारे डिस्कस कर लेंगे करके इसमें क्या क्या है पूरा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं, मैं आपको सिंगल स्लाइडर का ही बता देता हूँ एग्जांपल लेकर के, ताकि अच्छे से, यहाँ पर रोलर लगा है, वहाँ पिस्टन लगा होता है बस, ठीक है, इतना डिफरेंस होगा इसमें। देख लेते हैं इसे कैसे करना है हमें, हम देखेंगे क्या। एक आपको सीधे सीधे बता देता हूँ चीज़ें क्या थी, जो बाइनरी जॉइंट्स के लिए क्या थी। अगर इफ एन नंबर ऑफ लिंक आर कनेक्टेड एट अ जॉइंट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन माइनस वन बाइनरी जॉइंट्स। कहने का मतलब क्या होता है, अगर एल आपका लिंक है टोटल किसी भी, ठीक है, कनेक्ट है जॉइंट में, तो उसमें बाइनरी जॉइंट कितने होंगे, तो बाइनरी जॉइंट कितने होंगे उसमें, एन माइनस वन, एक कम होते हैं उसमें हमेशा बाइनरी जॉइंट। इसमें कितने हैं टोटल काउंट कर लेते हैं, पहले लिंक काउंट कर रहे हैं, 1, 2, ये 3 और ये, अब देखिए आप, ये 1, 2, 3 तो हो गया, ये चौथा लिंक यहाँ पे,
अभी पेयर की बात करेंगे, समझा देता हूँ हायर पेयर लोअर पेयर क्या, वो भी बता देता हूँ आपको। इसमें लिंक कितने हो गए यहाँ पे, लिंक हो गए हैं 4, ठीक। लिंक कितने हो गए यहाँ पे, अब ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, लिंक में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट कितने हो जाएंगे इसमें, 3, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है इसमें, 4 और 3 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका, 4, ऑप्शन नंबर 4 इज, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3, 4 और 3 है ना, ज्वाइंट 3 है इसमें, लिंक कितने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या बात है, वो ये है कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हायर पेयर की बात, हायर पेयर क्या होता है आपका, हायर पेयर होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट वाला, हायर पेयर क्या होता है आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट वाला। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से, वो देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक आपको बोलूँ कि आप मुझे ज़रा इसमें अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना सीख लेंगे साथ साथ ही, मैं बोलता हूँ आपको, मैं एक दे देता हूँ यहाँ पे, ये रहा ये मेरा है, यहाँ पे मैंने क्या करा इस पॉइंट पे, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक ले लिया इस टाइप का डायग्राम, और समझने के लिए आपके है ये, एक यहाँ पे ले लिया हमने इस टाइप का डायग्राम, ठीक, इस टाइप का डायग्राम ले लिया हमने यहाँ पे। अब इसमें बोल दिया गया आपको, आप ये बताओ ये इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ पे, इसमें बोला गया बताओ लिंक कितनी है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे फिर लिंक कितनी है इसमें, फर्स्ट एक लिंक ये हो गया, फर्स्ट लिंक हो गया, एंड सेकंड लिंक ये हो गया, पूरा ही तो है ये, एक लिंक ही तो है, एंड थर्ड लिंक क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये लिंक कितना है ये, ठीक है, तीन लिंक हो गए यहाँ पे, ये तीन लिंक हो गए यहाँ पे, ठीक है। लिंक हो गए इसमें कितने, लिंक हो गए 3 आपके। अब बात की जाए अगर हायर पेयर किसने कितने है इसमें, पॉइंट कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है, देखिए पॉइंट कॉन्टैक्ट हायर पेयर हो जाएगा यहाँ पे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, ज्वाइंट इसमें कितने, ज्वाइंट 2 है, एक ज्वाइंट इधर है, एक ज्वाइंट इधर है, तो ज्वाइंट इसमें कितने, 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 3L-1, जैसे मैंने कल ही बताया था उस वाली वीडियो में आपको, जो PDF अपलोड कर रहा था 2J- का हायर पेयर H, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3L कितना है इसमें, लिंक है 3-1 और 2×2 का, अब ये हायर पेयर कितना है 1, तो 1 कर देंगे, सॉल्व करेंगे 2, 3, 6, 6-5 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा इसका 1। ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन का भी निकाल लेते हैं पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल पाओगे इजीली, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसमें इसमें निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपका 3, 4, 4-1 तो कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है हमारा, तो ये भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आपको याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होता है, ठीक। अब देखते हैं 503 इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक लॉजिक बताऊँ, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हमेशा गलत नहीं करना है, अभी देखना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। पढ़िए डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF निकालना है, मैकेनिज्म सॉल्व भी लो, इसमें जो दिया हुआ है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब आँख बंद करके सॉल्व नहीं करना होता, आँख बंद करके सॉल्व करोगे जैसे बंदे ने लगा रखा है कैंडिडेट आंसर्स, तो 4 लगा रखा है तो शायद ये गलत हो सकता है, अभी गलत ही हो गया है, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारा आंसर्स क्या है, किस बेस पे हमको आंसर देना चाहिए, अगर हम लिखते हैं पेपर को तो कैसे क्या इस तरीके से करते हैं या फिर कैसे करते हैं, ठीक है चलिए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट काम हमें करना होता है क्या, हमें करना होता है इसमें लिंक कितनी है वो काउंट करना होगा, ठीक है। डिग्री फॉर्मूले में हमें लिंक चाहिए, ज्वाइंट चाहिए, हायर पेयर है तो वो भी चाहिए, यहाँ पे कोई लाइन पॉइंट कॉन्टैक्ट है नहीं तो यहाँ पे हायर पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये काम हो गया एक पहला काम। सेकेंड क्या है हमें निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देखते हैं ज़रा करते हैं इसे, लिंक कितने हैं इसमें पहले ये बताइए आप मुझे, ये एक तो ये हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सेम है ये बेस पे है, तो एक ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4 और 5 5 लिंक हो गए इसमें। अभी ज्वाइंट कितने, अब देखिए ज्वाइंट दो बेस पे निकाला जाता है, पहला तरीका क्या होता है ज्वाइंट निकालने का, अगर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के ज्वाइंट होते हैं तो हम उसे एग्जैक्ट लेते हैं, ठीक है। सिंगल आपके क्या होते हैं, ये कट्स बैक का आपका था ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, ग्लोबर और कट्स बैक, उन्होंने बताया था कि जब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है तो वहाँ पर ज्वाइंट और लिंक इक्वल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है माइनस होने, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी लिंक नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो जाएंगे, ज्वाइंट पे कितना हो जाएगा
फाइव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा इसका, थ्री थ्री एल माइनस वन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फोर माइनस टू इंटू जे, टू इंटू जे का मतलब क्या है, चलिए लिख ही देते हैं इससे जीरो, कितना हो जाएगा इसका आपका, कितना हो जाएगा, अब देखिए अब हमने अगर इसे ऐसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे लिंक कितने फोर माइनस वन फाइव, तो यहाँ पे फाइव ही तो लेना होगा, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर फोर ट्वेल्व माइनस का टेन इक्वल कितना आ जाएगा टू, अभी इसने सॉल्व जो किया है हमारा आंसर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। इसने जो सॉल्व किया वो क्या कर दिया, रॉन्ग वाला जो सॉल्व कर दिया उसने क्या करा, उसने एल माइनस वन तो फाइव लिया, ज्वाइंट को एन माइनस वन तरीके से लिख दिया एन माइनस वन, तो हो गया गलत, ठीक वैसे नहीं करना है हमें, इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राफ ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन, टर्निंग मोमेंट मैंने आपको आईसी ने जब बताया था उसमें भी समझाया था टर्निंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, ठीक है यहाँ पे दोबारा से आ गया, देख लेते हैं क्या है वो, तो ग्राफ बिटवीन टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम को पता है क्या होता है, नहीं पता तो समझ लेते हैं उसके बाद, टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता क्या एक्चुअल में, तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, क्रैंक फॉल्ट को, जो टॉर्क होता है क्रैंक पे, क्रैंक कितना घूम रहा है किस एंगल पे, कितना घूमेगा हर पोजीशन पे, कितना उसका टॉर्क होगा उस पे, वो बताता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा टर्निंग मोमेंट के ऊपर ही खाली, तो आपको ताकि आगे आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, ठीक है समझते हैं पहले। तो टर्निंग मोमेंट जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में बनाया जाता है, टॉर्क होता है, जो टॉर्क मतलब क्या है वो आपका टर्निंग मोमेंट समझ लो आप, टॉर्क समझ लो या फिर टर्निंग मोमेंट समझ लो उसे आप, ठीक है। और किसके बीच में बनता है ये बनता है क्रैंक एंगल के बीच में, किसके बीच में बनता है क्रैंक एंगल, थीटा जो हम लिखते हैं, क्रैंक एंगल के बीच में बनता है ये, ठीक है, दो के बीच में बनता है ये, किसके किसके बीच में बनता है ये, टॉर्क और क्रैंक एंगल, यानी क्रैंक इफल्ट बोल सकते हो आप टॉर्क को, क्योंकि क्या बोला जाता है इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है वो दूसरा, दूसरा नाम है इसका टॉर्क, हम क्या बोलते हैं क्रैंक इफल्ट, क्रैंक या फिर टॉर्क भी बोला जाता है, टर्निंग मोमेंट भी बोला जाता है, क्रैंक इफल्ट भी बोलते हैं इसे, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसे क्रैंक इफल्ट बोला जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं किसके किसके बीच में बना है ये, तो क्रैंक इफल्ट और क्रैंक इफल्ट और क्रैंक एंगल, क्रैंक इफल्ट वाई में होता है और उसमें क्रैंक एंगल कहाँ होता है एक्स पे, ये भी ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया था ये क्रैंक इफल्ट और क्या है वो दोनों के किसके किसके बीच में बनता है ये, तो ये आपको अच्छे से समझ के रखना है बिल्कुल, कि जो क्रैंक इफल्ट और क्रैंक एंगल है उनके उनके बीच में क्रैंक इफल्ट इधर होगा, वाई पे क्रैंक एंगल कहाँ होगा एक्स पे होगा, एक्स पे क्रैंक एंगल होगा, वाई पे क्या होगा क्रैंक इफल्ट, टर्निंग मोमेंट, टॉर्क, एक ही बात है सारे, वो उसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 505, क्वेश्चन बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं सारे लगे हुए, काफ़ी एनर्जी मिलती है ऐसे करने से, एनर्जेटिक रहना चाहिए आपको हमेशा, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना चाहिए ना। द मास ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ ए स्टीम इंजन, मास दिया हुआ है फ्लाईव्हील का, ठीक है सॉल्व करेंगे इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, करते हैं इसे सॉल्व, मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है मास इसका 3 to 5, देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ यूनिट के साथ, आपको पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा। और रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है, के दिया हुआ है 1 मीटर, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंजन, स्टार्टिंग टॉर्क टी दिया हुआ है, टाउ से बोलते हैं, ठीक है मैं टी से लिख रहे हैं इसको, टॉर्क दिया हुआ है 4500 न्यूटन मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द एंग्युलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है फ्लाईव्हील का, एंग्युलर एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ठीक। तो ये बातें आपको गिवन है, बाकी आपको सॉल्व करना है, ओके लेट्स रॉक करते हैं सॉल्व से जल्दी। आपको पता है टॉर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा होता है, आई किसके इक्वल होता है, आई होता है मास एंड एम के स्क्वायर इंटू अल्फा, टॉर्क कितना दिया है 4500 डिवाइड बाय द के वन है एम से डिवाइड कर दो, तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है 3 to 5 0 0 0 फिनिश कर दिया, अल्फा अल्फा निकाल लिया हमने सॉल्व करा तो कितना आया 1.38, ओके तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 1.38, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस ड्रिवन बाय बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय, फ्लैट बेल्ट है वी बेल्ट है ये तो मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। पुली फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट क्या होता है, ये रहा फ्लैट बेल्ट, आपने देखा होगा पुली के ऊपर लगा हुआ फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट की थिकनेस दी हुई है और इससे प्रोड्यूस टेंशन दिया है, मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है, ठीक है टेंशन लिख लेते हैं, टी दिया हुआ है हमें 14 न्यूटन, ओके ठीक है इतना टेंशन दिया हुआ है फ्लैट बेल्ट पे, डेंसिटी दिया हुआ है उसका, तो इसे अच्छे से नोट कर लेते हैं,
डेंसिटी दिया हुआ है हमें, ठीक, डेंसिटी कितना दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, थिकनेस दिया है 5 mm, निकालना क्या है मैक्सिमम पावर के लिए निकालना है, वेलोसिटी कितना होगा इसका, स्पीड कितना होगा मैक्सिमम पावर के लिए। तो आपको बता दो फ्रेंड्स मैं, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होता है आपका वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम कितना होता है, वी मैक्सिमम रूट टी अपॉन 3 × m, ये होता है। यह मास हमें नहीं दिया, मास का मतलब डेंसिटी क्या होता है, देखिए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास निकालेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे, फटाफट जरा करिए इसे सॉल्व, 3 × 1000, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका जितने दिए सबको मल्टीप्लाई में रख दो, एमएम में दिया हुआ है वहाँ ध्यान रखना ये बात को, ये मीटर में दिया हुआ है, चेंज कर लेंगे हम भी इसको, 1000 से क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, 5 mm दिया है इसको भी डिवाइड कर देंगे, 1000 फिनिश हो जाएगा, ये दो फिनिश हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। सॉल्व करेंगे इससे थोड़ा और, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं इसे सॉल्व, ठीक समझ रहे ना आप, अच्छे से देख लीजिएगा इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे टॉर्क कितना दिया है 14 दिया है, 2 × 1 0 से ऊपर उड़ा देते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में बच जाएगा 14, यहाँ पे 1000 आ गया, नीचे 3 × 5, 5 से फिनिश कर दिया हमने, 2800 / 3 रूट निकाल लेंगे इसका, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 933.33, वो भी रूट में, रूट को सॉल्व करेंगे तो फिर कितना मिलेगा, फिर मिलेगा आपको 30.55, ठीक है। लॉजिक सीधे से देखिए 33 तो लग जाता है लॉजिक अपने आप पे, कितना आएगा यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट तो हो ही नहीं रहा पॉइंट में, तो पॉइंट वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो क्या है वो राइट है, ठीक है। अब देखिए 507 क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं अच्छे होते हैं, वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। द रोटरी इंटरनल कम्बशन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्जन तो कौन सा इन्वर्जन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा इन्वर्जन है ये भी जरूरी है जानना, और किसका रोटरी इंटरनल इंजन होता क्या है एक्चुअल में आपको पता है, पहली बात आती है होता क्या है ये इंटरनल जो इंजन है रोटरी इंटरनल इंजन क्या होता है। फ्रेंड देखिए सिंगल स्लाइडर जो क्रैंक मैकेनिज्म था आपका उसमें क्या कर दिया गया था, उसमें जब क्रैंक टू को फिक्स कर देते हैं तो वो इंजन बन जाता है कौन सा, रोटरी इंजन, जिसमें क्या होते हैं आपके जो स्लाइडर जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है पिस्टन और 7 और 9 सिलेंडर से, तो बन जाता है रोटरी इंजन। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ जल्दी से, देखिए कैसे होता है ये, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, ये सेम ऐसे करके क्या कर देता हूँ मैं, दूसरा सिलेंडर को ज्वाइन कर देता हूँ इधर दो, ऐसे करके मैं बहुत सारे सिलेंडर को मैं समझाने के लिए आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ज्वाइन कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया तो ये आपका जुड़ा हुआ है किससे, जैसे मैंने इसे ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया यहाँ पे एक ये बना लिया, एक इसको ज्वाइंट कर दिया हमने ऐसे करके, ठीक। आप देखिए जरा यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट आपका जो है ये फर्स्ट सिलेंडर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया, जो सिंगल स्लाइडर का था उसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, पिस्टन और 7 और 9 सिलेंडर से, स्लाइडर को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो फर्स्ट ये हो गया आपका, ठीक। सेकेंड क्रैंक जो था उसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, थर्ड ये हो गया आपका, फोर्थ नंबर इसका हो गया, इसका पिस्टन हो गया, चार तो लिंक हो गए, अगर बाई चांस पूछता है इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, चार लिंक हो गए इसमें, और ये मूव करेगा, अब ये मूव करेगा तो ओवरऑल पूरा भी ये इसके भी इसका मोशन आएगा, ये भी इसका मोशन होगा, ठीक है। फर्स्ट इन्वर्जन है पहली बात, तो आपका पहला चीज कौन सा इन्वर्जन है, तो ये हो गया फर्स्ट इन्वर्जन, पहला क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर होना चाहिए। अभी पूछा गया रोटरी इंटरनल कम्बशन इंजन किसका होता है, तो किसका हो भी ध्यान देना है आपको, किसका होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का, जिसमें आपके 7 और 9 सिलेंडर्स लगे होते हैं, बस सीधे सी बात, फर्स्ट इन्वर्जन हो गया इसकी, ये बात कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ये देखिए बड़ा बेहतरीन, ये भी है, सारे बेहतरीन बोलता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मज़ा आता है उन्हें करने में भी। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, देखिए दो टाइप की थ्योरीज आपको पढ़नी होंगी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का पढ़ना होता है क्या होता है ये, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, दोनों को डिस्कस करते हैं, समझते हैं पहले अच्छे तरीके से आखिर ये है क्या, फंडा क्या है इन दोनों का। इन दोनों का हम ऐसी लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं प्रेशर थ्योरी क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं इसका प्रेशर थ्योरी क्या होता है, यहाँ पे वियर थ्योरी क्या होता है। चीज़ें दो टाइप से समझनी है हमें, दो टाइप का मतलब क्या है, जब चीज़ें नई होंगी, न्यू होंगी, कोई भी क्लच हो गया, बीरिंग हो गया नया है यहाँ पे,
तब प्रेशर थ्योरी की बात कर लेते हैं, जब वो धीरे धीरे रब होने लगेगा, घिसने लगेगा, टाइम के साथ साथ रबिंग होगी, उसमें ओल्ड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो उसमें वियर थ्योरी करेंगे। चौक का एग्जांपल भी लेके समझेंगे अभी इसे। अब पहले बात करते हैं प्रेशर थ्योरी क्या होता है। यहाँ पे दो टाइप की थ्योरी पढ़नी होती है आपको क्लच एंड वियरिंग में, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्या है। प्रेशर एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म ओवर द सर्फेस एरिया। प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है सारे सर्फेस एरिया पे, पूरा समान प्रेशर लगता है, इक्वल प्रेशर लगता है, ठीक है। यूनिफॉर्म समझते हैं ना आप, ज़्यादा हिंदी के टर्म भी थोड़े अलग से जाते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है इसमें, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होगा, वो आपका इंटेंसिटी प्रेशर का पूरे तरीके से लगेगा, सब पे बराबर लगेगा, समान इक्वल लगता है, ठीक है। यहाँ पे जब ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है न्यू क्लच और बियरिंग जब होता है, जब नए आपके क्लच होते हैं, नए आपके क्लच हो या फिर बियरिंग होता है आपका, क्लच या फिर बियरिंग होगा, तो वहाँ पे प्रेशर थ्योरी यूज की जाएगी। धीरे धीरे जब वो वियर हो जाएंगे, घिसने लगेंगे, तो वहाँ पे क्या यूज़ की जाएगी, वियर, आपका वियर थ्योरी। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, सरफेस इज रब, सरफेस जब रब होने लग देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर शुड वेरी द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर शुड वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। अब रेडियस का मतलब क्या है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली वाला ऑप्शन किधर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। चौक का एग्जाम्पल क्या बोल रहा था, मैं चौक का एग्जाम्पल बोल रहा था, जितना आप चौक को लिखोगे, इतनी लंबी लाइन खींचा चौक, कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा, अभी डबल खींचोगे तो उतना ही चौक फिर यूज होगा, ठीक है। अगर आपका सरफेस नॉर्मल सेम है तब उसके लिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चौक का जो वियर है वो इक्वल होता जाएगा, और उसके क्या हो जाएगा, इन्वर्सली किसके हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चलिए गलत नहीं करना है क्वेश्चन को, इसने काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, जिसका भी ये आपका पीडीएफ है बच्चे का। व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज। देखिए फ्रिक्शन लाइनिंग क्या है ये समझ लेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने अभी जस्ट ऊपर थ्योरी में दे दिया वही क्वेश्चन इसका भी हो जाएगा सेम। फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज, वियर कैसे होगा, उसमें जो घिसेगा वो किसके अनुसार होगा, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ नीचे, जब ये तो कुछ अलग टाइप के जो हिंदी वाले हैं वो उसमें देख सकते हैं, मैं दोनों में बोल रहा हूँ इसलिए। कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग, फ्रिक्शन लाइनिंग क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग लगा कहाँ होता है, फ्रिक्शन प्लेट के ऊपर लगा होता है, फ्रिक्शन प्लेट के ऊपर, ये फ्रिक्शन प्लेट हो गया, तो ये ऐसे करके आप डिस्क की तो है, अगर हम इधर से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा ये, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या, डिस्क की तो है ये, जहाँ मटेरियल से मिलके बना होता है ऐसे करके, डिस्क की तो है ये, फ्रिक्शन लाइनिंग लगा होता है ये। तो कह रहा है कि फ्रिक्शन लाइनिंग जब नया होता है, नया नया होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज होगा, प्रेशर थ्योरी यूज होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टू द रेडियस, डायरेक्टली टू द रेडियस नंबर वन ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों थ्योरीज को समझना है अच्छे तरीके से ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, टेन नंबर टेन 510, व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ फ्रॉम अ पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ इज नॉन एज, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। अगर आपको पता है गियर, गियर में क्या होता है, गियर का टूथ देखते हैं कैसे बना होता है, ये है आपका गियर, ये गियर का हम बना देते हैं थोड़ा सा एक टूथ आपको समझने के लिए है ये, ठीक है। ये है आपका इधर का, ये हो गया इधर का, ठीक है। अरे एक बना देते हैं यहाँ पे, ठीक, ये थोड़ा सा मिला हुआ है, ये बीच में बना देते हैं पिच सर्कल, इसे बोला जाता है टॉप लैंड, इसे बोलते हैं टॉप लैंड, इसे बोलते हैं बॉटम लैंड, इसे बोलते हैं बॉटम लैंड बोला जाता है। और जो डिस्टेंस होता है, ये पिच सर्कल है आपका, ये क्या है, ये पिच सर्कल, तो मैं इसे पी सी से लिख देता हूँ, ठीक है। पिच सर्कल है ये, यहाँ से टॉप लैंड से यहाँ तक की डिस्टेंस और बॉटम लैंड से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। इसे टॉप लैंड से यहाँ तक डिस्टेंस को बोलते हैं एडेंडम, एडेंडम ई एन है, ठीक है, एडेंडम बोलते हैं इसे, और नीचे वाले को बोलते हैं डिडेंडम बोलते हैं, डिडेंडम बोलते हैं इसे। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ, टॉप ऑफ द टूथ को क्या बोलेंगे, एडेंडम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकेंड, इस बच्चे ने ये भी गलत लगा रखा, नालायक है क्या। टॉप लाइन और पिच सर्कल को क्या बोला जाता है, एडेंडम बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, पिच सर्कल बीच में होता है, एडेंडम ये होता है, बॉटम लैंड ये होता है,
ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में सेट करना चाहिए, बेसिक चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशियो। ठीक, देखिए कॉन्टैक्ट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए बिल्कुल। दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं दोनों जरा देख लेते हैं, अपने आप सही हो जाएगा, कुछ करना नहीं होता है आपको। कॉन्टैक्ट रेशियो के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो डिफाइन एज द एंगल ऑफ एक्शन टू द पिच एंगल, एंगल ऑफ एक्शन इज टी एन एंगल ऑफ एक्शन टू द पिच एंगल, टू द पिच एंगल। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना वो कॉन्टैक्ट में रहता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, सर्कुलर, और सर्कुलर पिच क्या है? हम लिख सकते हैं सर्कुलर पिच पाई मॉड्यूल के इक्वल होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन क्या हो बोला गया है, वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। यह सर कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो बिल्कुल वेरीज करता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के, ये राइट है, पहला तो राइट हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, मॉड्यूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, यस माय फ्रेंड्स, ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉड्यूल के, तो ये भी राइट हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच ये रहा सर्कुलर पिच, यस ये भी राइट है, थर्ड भी राइट हो गया। तो ओवरऑल क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है, ऑल ऑफ द अबव सब करेक्ट हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज द पेंडुलम गवर्नर, पेंडुलम गवर्नर कौन सा है इसमें से, तो देख लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है मेरे पास, उसे देखना हमें ज़रूरी है, उस डायग्राम को देखने से क्या हो जाएगा आपका सारे टाइप्स ऑफ गवर्नर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये है वो डायग्राम, क्या है यहाँ पे टाइप ऑफ जो गवर्नर होता है वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके दो टाइप के, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं, दूसरा क्या होता है इनर्शिया गवर्नर होता है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है पेंडुलम टाइप, ग्रेविटी और स्प्रिंग लोडेड। ठीक, पेंडुलम टाइप में वॉट गवर्नर होता है, वो होता है आपका कौन सा, पेंडुलम टाइप का होता है, ग्रेविटी में पोल्टर और प्रोयल गवर्नर, स्प्रिंग लोडेड में हल्टनल, विल्सन, हल्टिंग, पिकरिंग, ये सारे गवर्नर्स कैसे होंगे आपके स्प्रिंग लोडेड में होंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, क्वेश्चन पूछा गया था ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर, इनमें से कौन सा पेंडुलम गवर्नर है, तो वॉट गवर्नर कहाँ है, वॉट गवर्नर क्या है, वो आपका पेंडुलम टाइप का गवर्नर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, तो टाइप ऑफ गवर्नर देख लिया आपने, इसमें सारी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, थर्टीन नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर डज नॉट हैव सेंट्रल लोड, सेंट्रल लोड नहीं होता है। अभी सेम हमने देखा ऊपर, सेंट्रल गवर्नर सेंट्रल लोड किस में नहीं होगा, सेंट्रल लोड आपका वॉट गवर्नर में सेंट्रल लोड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक सा इस गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका कि व्हाट विल बी द वर्टिकल हाइट ऑफ वॉट गवर्नर इफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज 80 rpm उसकी स्पीड है, तो वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा, वर्टिकल हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉट गवर्नर का 895, याद रखना है आपको ये नंबर 895 डिवाइड बाय द एन का स्क्वायर, 895 डिवाइड बाय एन का स्क्वायर, ये नंबर आपको याद रखना है 895 एम का एन का स्क्वायर, इसे एन बना देता हूँ, एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 895 टू द 8 है ये 895 80 इंटू 80 सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा ये 0.1398 मीन्स 1.4 कहाँ है 1.4, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट वन, 0.14। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बेहतरीन था, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को करके सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द साइज ऑफ द कैम, साइज ऑफ द कैम डिफाइन करने के लिए कौन सा टर्म चाहिए। देखिए कैम साइज डिटर्मिनेशन इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस सर्कल, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। ये क्या है स्टेटमेंट, कैम साइज डिटर्मिनेशन इज द रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस सर्कल, बेस सर्कल को अगर आप डिटरमाइन कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कैम का साइज क्या होने वाला है। ठीक, तो कैम का साइज कहने का मतलब क्या है, मैं अगर डायग्राम बना देता हूँ आपको, डायग्राम तो बड़ा अच्छे हैं इसके सारे, मज़ा आता है। कोई भी एक आप अगर कैम बना लेते हैं, कैम बनाते हैं अगर आप ऐसे, तो ये रहा उसका बेस सर्कल, ये चलेगा ऐसे करके बेस सर्कल, तो बेस सर्कल ही तो बताएगा यहाँ से कितना टर्निंग होना है, ये बेस सर्कल ही तो है, तो उसके लिए बेस सर्कल से बदलता है हमें उसका क्या होगा साइज कितना है, बेस सर्कल कहाँ है, बेस सर्कल इसका लास्ट, ये आपका हो गया क्वेश्चन 15। बड़ा मजा आया 15 क्वेश्चंस करने के लिए, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चंस थे कि बुक के थे,
नेक्स्ट टाइम में हम वीडियो लाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा फटाफट सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड डिमोन टेक्स। देखते रहिए, बने रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।